जो आज मैं आपको बात बताने जा रही हूँ ना, प्लीज़ उसको समझना, ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत से लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं, दीदी मेरा मेलाज्मा हो गया है, मुझे इतना दिन हो गया है, मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं क्या करूँ, मेरा ठीक नहीं हो रहा, मैंने शादी निभा लिया। मेरी ये बात सिर्फ याद रखना आप, ठीक है? और ज़रूर फॉलो करना। एक सन, अभी सन की बात नहीं करें, आप जाने के टिक छोड़ दो आपके हारमोन्स, दूसरा है आपका सन। आपका चाहे मेलाज्मा हो चाहे ना हो, अच्छी स्किन होने से भी अगर सन डायरेक्ट फेस पे पड़ेगा तो वो अच्छी स्किन को भी बेकार कर देगा। तो जो मेलाज्मा वाली स्किन है वो तो सेंसिटिव होती है, जिसे जो धूप के संपर्क में आके जो यूवी रेस हमारे अंदर जाता है उसे क्या होता है ना, मेलानिन बाहर निकलने लगता है और ज़्यादा, क्योंकि यूवी रेस वो स्किन के अंदर अटैक करता है। तो जेनेटिक भी आप छोड़ दो, आप दो चीज़ हमेशा याद रखो कि आपको सन से प्रोटेक्शन लेना है, दूसरा है आपको आपके हार्मोन्स ठीक रखने हैं। हार्मोन्स आपका कैसे ठीक होगा, देखो आप कभी भी नोट करना, जब आपके फेस में पिगमेंटेशन है, बहुत लाइट पिगमेंटेशन है, जब आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी इंसान को ऐसा स्ट्रेस आ जाता है कि बहुत थिंक करने लगता है, उसके बाद 1 घंटे बाद आपका फेस देखना, आपको मेलाज्मा ना पूरा ब्लैक दिखाई देगा। पता है वो क्या है ना, आपके हार्मोनल्स, जो आपके हार्मोन्स है ना वो इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ रन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण आपका हार्मोन्स भी है, ठीक है? अगर आप जैसे जैसे स्ट्रेस लेंगे वैसे वैसे आपका हार्मोनल्स बिगड़ेगा, वहीं आपका पीरियड्स बिगड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आपको आपका हार्मोन्स अच्छा रखना है, आपकी स्किन अच्छी रखनी है, तो स्ट्रेस लेना बिल्कुल कम करना पड़ेगा। मैं नहीं बोलती हूँ कि किसी की लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप इतना भी स्ट्रेस मत लो कि आपकी जो अंदर डीपली प्रॉब्लम है ना वो हार्मोन्स के कारण और ज़्यादा बाहर निकल कर आ जाए। प्लीज़ इस चीज़ को समझो। आप लोग मुझे बोलते हो ना, दीदी मैंने ये कर लिया, मैं सब कुछ कर रही हूँ। अगर आप जिस तरह से खाना ले रहे हो ना, वो बात ठीक है, अपने मन को भी खुश रखना है उस खाने के साथ। अगर आप अपने आप को भी खुश रखोगे ना, तो वो खाना भी आपके शरीर में लगेगा, आपके हार्मोनल्स भी अच्छे होंगे, आपका पीरियड्स भी अच्छा होगा, आपकी हर चीज़ अच्छी होने लगेगी बॉडी की। इसलिए मैं बोलती हूँ आपको, आपको क्या मन करता है वो खाओ, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, जो आपका मन करता है वो करो, ठीक है? अपने दिल की सुनो, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है।